हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर मनोज पटेल और आप देख रहे हैं होम्यो मैजिक चैनल। होम्यो मैजिक चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए फ्रेंड्स, आज एक और नया दिन, एक और नया टॉपिक। आज का टॉपिक है थायराइड। तो फ्रेंड्स, थायराइड के बारे में समझते हैं कि आखिर थायराइड क्या होता है। थायराइड वैसे तो एक आम समस्या मानी जाती है, लेकिन यह महिलाओं में काफ़ी ज़्यादा आम समस्या देखी जाती है। थायराइड ग्लैंड के प्रोड्यूस होने से, हार्मोन्स के इनबैलेंस होने से दो तरह के थायराइड होते हैं, जिनमें अलग अलग सिम्टम्स देखे जाते हैं, जिन्हें इग्नोर भी नहीं करना चाहिए। थायराइड की समस्या ज़्यादातर महिलाओं में देखी जाती है, लेकिन यह कई पुरुषों में भी हो जाती है। थायराइड की समस्या हार्मोन्स के इनबैलेंस की वजह से होती है। हमारे गले में बटरफ्लाई साइज की थायराइड ग्लैंड्स होती है, जो कि हार्मोन का निर्माण करती है। जब किसी वजह से एंडोक्राइन की वर्किंग अफेक्टेड होती है तो हार्मोन इनबैलेंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें थायराइड की समस्या का सामना करना पड़ता है और इस बीमारी से होने वाले हमारे सेहत से रिलेटेड कई समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। ज़्यादातर लोग बॉडी में होने वाले छोटे मोटे चेंजेस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन इससे ये बीमारी काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो जाती है। थायराइड भी दो प्रकार का होता है। जब बॉडी में थायराइड हार्मोन ज़्यादा बनने लगते हैं तो हाइपरथायराइडिज्म की समस्या होती है, और जब यह हार्मोन कम बनने लगे तो व्यक्ति को हाइपोथायराइडिज्म की शिकार हो जाता है। अगर थायराइड के स्टार्टिंग सिम्टम्स पर ध्यान दिया जाए तो लाइफस्टाइल चेंजेस और कुछ मेडिसिंस के द्वारा इसे कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन इसके सिम्टम्स को इग्नोर ना करें। तो फ्रेंड्स, आज अपन इस वीडियो में हाइपरथायराइड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसमें क्या सिम्टम्स होते हैं और उसमें कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिंस बहुत ज़्यादा अफेक्टेड मानी जाती हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहें, वीडियो को बिना स्किप किए। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। अगर किसी भी पेशेंट को हाइपरथायराइड की समस्या होती है तो वजन कम होना, भूख बहुत ज़्यादा लगना, मांसपेशियों में कमजोरी और दर्द, धड़कन का तेज होना और कमजोरी महसूस होना, बिना वजह चिड़चिड़ापन और पसीना ज़्यादा आने जैसे लक्षण दिखाई देने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे सारे हाइपरथायराइड से रिलेटेड सिम्टम्स। तो फ्रेंड्स, जो अभी मैंने आपको सिम्टम्स बताए थे, जब किसी को थायराइड की समस्या स्टार्टिंग में होती है तब ये सिम्टम्स होने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, सब जानते हैं कि जो हाइपरथायराइड से काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं, जिनको ये समस्या काफ़ी पहले से है, उनके लिए क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, तो अब उसके बारे में डिस्कस करते हैं, उसके बाद मेडिसिन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो उसे पसीना बहुत कम आता है, बालों का झड़ना, चेहरे पे बहुत ज़्यादा सूजन और थकान होना, कब्ज़ की शिकायत होना, स्ट्रेस महसूस होना और धड़कनों की गति का बहुत कम महसूस होना, और इसके अलावा मांसपेशियों में अकड़न और जोड़ों में दर्द महसूस होना, ये लक्षण दिखाई देते हैं अगर आपको हाइपरथायराइड की शिकायत हो तो। अब इस कंडीशंस में आपको किस किस चीज़ों का परहेज करना चाहिए, अब उसके बारे में भी एक बार चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि सोयाबीन और सोयाबीन से बनी चीज़ों का सेवन न करें, क्योंकि सोयाबीन में फाइटोएस्ट्रोजन पाया जाता है, जो कि थायराइड हार्मोन बनाने वाले एंजाइम के वर्किंग कैपेसिटी पर असर डाल सकता है। और इसके अलावा थायराइड पेशेंट को अल्कोहल और कैफीन युक्त चीज़ें जैसे कि चाय और कॉफ़ी और ज़्यादा मीठा और प्रोस्टेट फूड से भी परहेज करना चाहिए, क्योंकि इन सब चीज़ों के खाने से आपके थायराइड पे काफ़ी ज़्यादा असर देखने को मिल सकता है। अब जानते हैं कि आपको लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस करना चाहिए। अगर आपको हेल्दी रहना है तो आपको डेली रूटीन में कुछ समय निकाल के वर्कआउट करना चाहिए, कुछ एक्सरसाइज करना चाहिए, और डेली वर्कआउट करने से आप अपनी फिटनेस पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं, जैसे कि आप अपना वेट मेंटेन कर सकते हैं। और इसके अलावा आप अपनी डाइट में लौकी, परवल, तोरई, मशरूम जैसी सब्जियां शामिल करें, और इसके अलावा गाय का दूध और नारियल पानी, ग्रीन टी, बादाम, मूंगफली जैसे फूड्स भी काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब जानते हैं कि हाइपोथायराइड में कौन कौन सी मेडिसिंस बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मानी जाती हैं, अब उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब अपनी पहली मेडिसिन आती है थायराइडिनम 200। इस मेडिसिन को आपको उस कंडीशंस में लेना चाहिए जब आपका चेहरा फूला हुआ और आपका वज़न बहुत तेज़ी से बढ़ता हो और आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस लगती हो, और अंडर एक्टिव थायराइड के कारण
स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, अगर ये सारी कंडीशंस आपके साथ होती हैं तो आपको उस कंडीशंस में इस मेडिसिन की 5-5 बूंद 1 चम्मच गुनगुने पानी के साथ दिन में 3 बार लेना है। तो फ्रेंड्स, अब अपनी दूसरी मेडिसिन आती है कैल्केरिया कार्बोनिका 200। इस मेडिसिन को आपको उस कंडीशंस में लेना चाहिए जब आपका वजन बहुत तेज़ी से बढ़ता हो और आपको ठंड से काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव रहती हो, मतलब आपको ठंड बिल्कुल भी बर्दाश्त न रहती हो, और कब्ज़ की शिकायत होना, मल का पहला भाग काफ़ी ज़्यादा कठोर निकलना और उसके बाद समान रूप से निकलना, और इसके अलावा मासिक धर्म मतलब कि मेनस्ट्रुअल साइकिल काफ़ी लंबे समय तक चलना, उस कंडीशंस में आपको इस मेडिसिन की 5-5 बूंद 1 चम्मच गुनगुने पानी के साथ दिन में 3 बार लेना है। तो फ्रेंड्स, आओ अपनी तीसरी मेडिसिन आती है नेट्रम्यू 30। इस मेडिसिन को आपको उस कंडीशंस में लेना चाहिए जब रोने के साथ काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशंस और लगातार आपको वीकनेस का बने रहना और बालों का झड़ना और काफ़ी ज़्यादा पतला होना, उस कंडीशंस में आपको इस मेडिसिन की 5-5 बूंद 1 चम्मच गुनगुने पानी के साथ दिन में 3 बार लेनी है, सुबह दोपहर शाम। तो फ्रेंड्स, आओ अपनी लास्ट मेडिसिन आती है CPR 200। इस मेडिसिन को आपको उस कंडीशंस में लेना चाहिए जब आपको ठंड बर्दाश्त न होती हो, ठंड से आप काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव रहते हो, ठंड बिल्कुल भी आपको बर्दाश्त न होती हो, मेनस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स और मासिक धर्म जल्दी और काफ़ी ज़्यादा हैवी आना, और इसके अलावा आपको सेक्स की काफ़ी कम इच्छा होना, उस कंडीशंस में आपको इस मेडिसिन की 5-5 बूंद 1 चम्मच गुनगुने पानी के साथ दिन में 3 बार लेना है, सुबह दोपहर शाम। तो फ्रेंड्स, ये थी होम्योपैथिक मेडिसिन हाइपोथायराइड से रिलेटेड। अगर आपको इसके अलावा और कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके डाउट क्लियर करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। और मेडिसिन लेने से पहले एक बार अपने नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, उसके बाद में ही मेडिसिन लें, और ये मेडिसिन आपको किसी भी होम्योपैथिक शॉप पर ईजिली मिल जाएगी तो आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं, या इसके अलावा आप इसे ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सपोर्ट करें। मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। जय श्री राम।